वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल मूवीज लाइफ में। तो आज किस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एंटमैन 3 से रिलेटेड कुछ खबरों के बारे में कि मार्वल एंटमैन 3 के क्या नया करने जा रहा है, और साथ करें फेज 4 में मार्वल की तरफ से एंटमैन 3 में क्या नया होगा। तो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड आज का हमारा ये वीडियो है। तो ज्यादा देर न करते हुए बकबक को साड़ते हुए चलिए आइए शुरू करते हैं। एंटमैन 3 में मिशेल फिएफर ने जेनेट वैन डायन की वापसी की कंफर्मेशन दी है। मिशेल ने खुलासा किया है कि एंटमैन 3 के लिए फिल्म बननी 2021 के आसपास शुरू होगी और वह अपने किरदार में वापस आएंगे। एंटमैन एंड वास्प में जेनेट वैन डायन के रूप में डेब्यू करने वाली 2 साल बाद मिशेल ने बताया है कि उनका किरदार मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स के फेज 4 के आने वाले एंटमैन 3 के लिए वापस आ जाएगा। पॉडकास्ट लेडीज फर्स्ट पर लारा ब्राउन के साथ इंटरव्यू सेगमेंट के दौरान मिशेल ने खुलासा किया कि जेनेट अगली फ्रेंचाइजी में होंगे, लेकिन स्टोरी की डिटेल बताने से वो परहेज की। एंटमैन 3 के प्रोडक्शन के बारे में सबसे अधिक उन्होंने खुलासा किया कि परियोजना के लिए फिल्म 2021 के वसंत मतलब कि स्प्रिंग में होगा शुरू। वैसे हालांकि मूल एंटमैन ने उसके कैरेक्टर को मरा हुआ समझा था, और साथ ही दिखाया गया कि एंटमैन मूवी में कि जेनेट मर चुकी है, लेकिन एंटमैन एंड वास्प में खुलासा किया गया कि जेनेट केवल एक मिशन के दौरान क्वांटम रियल में फंस जाती है, जिसे स्कॉट लैंग द्वारा वापस लाया जाता है, लेकिन वही क्वांटम में 5 साल स्कॉट भी फंस जाते हैं। वैसे मार्वल इसी प्लान के लिए ही एंटमैन को ला रहा था कि कैसे एंटमैन को क्वांटम में फंसाया जाए, और एंड वास्प इसी में काम किया, क्योंकि बात की जाए तो क्वांटम में फंसने के बाद ही वह थैनोस की चुटकी बजाने पर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, और इसी वजह से वह 5 साल बाद जब वापस आया तो क्वांटम की थ्योरी लेकर वो लोग पहुंचे थे आयरन मैन के पास, जिससे टाइम मशीन बनी और आगे की मूवी चलती रही। तो अगर बात की जाए ऐसा ना होता, क्वांटम में वो नहीं फंसता, तो ये मूवी आगे शायद ही ऐसी देखने को मिलती, मतलब थैनोस जीत ही जाता। लेकिन मूवी थी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आगे बात की जाए तो जेनेट का किरदार क्या फेज 4 में कैसा रोल निभाता है, हमें घोस्ट का कैरेक्टर फिर से दिखाया जाता है कि नहीं, ये सब तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे घोस्ट के कैरेक्टर को अचानक से गायब कर देना भी ठीक नहीं है, वो ठीक हुई कि नहीं ये सारी चीजें हमें दिखाना चाहिए, क्योंकि एंटमैन के साथ कई कैरेक्टर जुड़े हुए हैं जिनको मूवी में एंटमैन के अलावा कहीं और नहीं दिखाया गया है, जैसे एवेंजर्स जैसी मूवीज में। वैसे बात की जाए बाकी लीड कैरेक्टर की, तो लीड कैरेक्टर हमें एंड गेम में देखने को मिल गए थे, लेकिन बाकी कैरेक्टर देखने को नहीं मिले थे। तो एंटमैन 3 फ्यूचर तय करेगा कि आगे हम लोग के क्वांटम रियल में कैसी कैसी मूवीज आएंगी। वैसे आपको बता दें कि स्पाइडरमैन 3 भी आने वाली, जो मल्टीवर्स से रिलेटेड होगी। तो मल्टीवर्स और क्वांटम रियल की कहानी कुछ एक जैसी ही लगती है, तो देखना ये होगा कि मार्वल दोनों को कैसे लेकर चलता है। और स्पाइडरमैन 3 की बात की जाए तो स्पाइडरमैन 3 में हमें देखने को मिल सकते हैं फिर से डॉक्टर ऑक्टोपस। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाए हैं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में जरूर दे देंगे। वैसे बात की जाए तो उसमें हमें सुनने में आया कि इलेक्ट्रो भी वापस आएगा, लेकिन इसकी कंफर्मेशन अब कम हो गई है। अब कहा जा रहा है कि डॉक्टर ऑक्टोपस ही रिटर्न करेगा। वैसे मार्वल क्या करने वाले, क्या सरप्राइज देने वाली है, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। सब अफवाह है कि कितनी सच्चाई है इन सभी पे। वैसे मल्टीवर्स में बात की जाए तो मल्टीवर्स में हमें लगता है कि विलन वांडा विच ही होगी, क्योंकि उसी के जरिए जो वांडा विजन मूवी आ रही है उसी में उसने कुछ गलती किया होगा, एक रियलिटी बना के जिसको ठीक करते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज। आगे मार्वल कैसी मूवीज लाता है, क्या करता है, ये तो फेज 4 देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे फेज 3 तक मूवी बहुत बेहतर रही है, फेज 4 का अब से स्टार्ट हुआ है, तो देखा जाए कि कैसी कैसी मूवीज आती है। तो ज्यादा देर न करते हुए अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड प्लीज थैंक यू।